हेलो दोस्तों मेरा नाम विकास कुमार उप नारायण जी है मैं एक्सल और करानी में से स्टूडेंट हूं आज हम लोग बात करेंगे पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन का मतलब कैल्शियम का डिपोजिशन का राइट ब्रीफ ऑन द पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन ठीक है पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन डिफाइंड एज द एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम नॉर्मल नहीं एबनॉर्मल डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम सॉल्ट टूगेदर विथ ए स्मॉल अमाउंट ऑफ आयरन के मैग्नीशियम और मिनरल अदर मिनरल सॉल्ट फॉर्म ठीक है तो कौन कौन जैसे कैल्शियम के साथ थोड़ा आयरन भी मैग्नीशियम भी और अदर सॉल्ट भी डिपोजिट हो जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कैल्सिफिकेशन और ये एबनॉर्मल डिपोजिशन है नॉर्मल नहीं होता है नॉर्मली में ये नहीं होता है टाइप ऑफ पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मेनली दो है कौन है डिस्ट्रॉफिक क्लासिफिकेशन और मेटास्टेटिक क्लासिफिकेशन हम डिफरेंस इसमें पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हैं डिफरेंस पढ़ चुके हैं अब ये आ, अलग अलग थोड़ा सा पढ़ रहे हैं देखिए डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम इन डेड टिश्यू तो ये हो जाएगा आपका डिस्ट्राफिक डी से डिस्ट्रॉफिक और डी से डेड ठीक है एम से मेटास्टेसिस uh, क्या होता है जिसमें लिविंग होता है उसी में मेटास्टेटिक होता है तो मेटास्टेटिक तो ये वायबल टिश्यू में होगा डिपोजिशन वायबल टिश्यू में होगा इसका एरिया जो है नेक्रोसिस वाला कोजेटिव वाला लिक्विफैक्टिव को कैसियस इंजाइमेटिक फैट एरेदो एथ्रोमा फोकल इनिमिटल इंजरी फोकल इनिमिटल इंजरी इन एरोटा एंड लार्ज आर्टरी एंड एजिंग हॉट वॉल्व ठीक है इसके हिसाब से हॉट बॉल पे भी डिस्ट्रोफिक क्लासीफिकेशन ऑकर डिपोजिट ये तो साइट हो गया कहां कहा होता है डिपोजिट नॉर्मल कैल्शियम मेटाबोलिज्म ये जो डिपोजिट होना है ये नॉर्मल कैल्शियम मेटाबोलिज्म के तहत होता है और बाकी हम लोग बात करेंगे मेटास्टेटिक कल्सिफिकेशन ये डेढ़ाइबल टिश्यू में होता है जैसे ब्लड वेसल में किडनी में लंग्स में गैस्ट्रिक म्यूकोसा में गैस्ट्रिक कल्सीफिकेशन है सेम मर्फोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल एज डिस्ट्रॉफिक कल्सिफिकेशन एक और बात है जो मेटास्टेटिक्स है इसका जो मर्फोलॉजी है पैथोलॉजी पैथोजेनेसिस है वो बिल्कुल डिस्ट्रॉफिक कल्सिफिकेशन की तरह ही होता है हाउ एवर इट ऑलवेज सीन इन बैकग्राउंड ऑफ डी डी अरेंज कैल्सियम मेटाबोलिज्म लेकिन इसके बैकग्राउंड में डी अरेंज कैल्सियम मेटाबोलिज्म जिससे हाइपर कैल्शियमिया हो जाएगा तब ये होता है कॉजेज मेटास्टेटिक कल्सिफिकेशन इंक्लूड इसमें क्या क्या होता है भाई इंक्लूड करता है देखिए हाइपर पैराथरडिज्म और हाइपर आयोडिज्म um, के कारण होता है विटामिन डी इंटॉक्सिफिकेशन के कारण होता है विटामिन डी ज़्यादा ले लीजिएगा तब होगा ठीक है उसके बाद सिस्टमेटिक सिस्टमेटिक एस्क्रोवाइडोसिस माने इसका क्या होता है मार्फो ये माइक्रोफेज एक्टिवेशन विटामिन डी प्रिकर के के कारण भी होता है मिल्क अल्कली सिंड्रोम के कारण होता है एक्सेस कैल्शियम इंजेसन विथ एंटा एसिड एंड मिल्क तो उसके कारण भी होता है विलियमसन सिंड्रोम एंड आइडोपैथिक हाइपर ऑफ इन्फेंस इन्फेंट जिसे हाइपर सेंसिटिव इन्फेंसी हाइपर सेंसिटिविटी टू विटामिन डी के कारण होता है रेनल फेरियोर इसमें क्या है कॉजेज रिटेंशन ऑफ फॉस्फेट लीडिंग टू सेकेंडरी हाइपर पैराथरेडिज्म ठीक है सेकेंडरी पैराथरेडिज्म फॉसफेट के रिटेंशन के कारण होने लगता है रेनल फेलियोर में इंक्रीज बोन एब्जॉर्प्शन इंक्रीज बोन कैटाबोलिज्म एसोसिएटेड विथ एबजॉर्बन नहीं मतलब वो डिजोल्यूशन होता है इंक्रीज बोन कैटाबोलिज्म एसोसिएटेड विथ डिसमिनेट बोन ट्यूमर ठीक है तो ये इसके कारण भी होता है आगे हम लोग बात करेंगे पैथोजेनेसिस ऑफ पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन इसका पैथोजेनेसिस क्या है ठीक है तो पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन टू मेजर ग्रुप है टू तो मेजर फेज है पहले इनिशिएशन और फिर प्रोग्रेशन ठीक है तो इनिशिएशन फेज में क्या है मच्छर बहुत काट रहा है जी ठीक है तो इनिशिएशन फेज में क्या है आपका मे ऑकर इन एक्स्ट्रा सेलुलर साइट इन मेम्ब्रेन बाउंड वेसल 200 नैनोमीटर इन साइज ठीक है और कैल्शियम ये पहले कहाँ हैं ये मेम्ब्रेन बाउंड वेस्कल्स में होता है जो 200 नैनोमीटर साइज का होता है उसमें होता है कैल्शियम कंसर्न कंसनट्रेटेड इन दिस वेसल ड्यू टू एफिनिटी फॉर एसिडिक फॉस्फोलिपिड्स, ठीक है एसिडिक फॉस्फोलिपिड्स एंड इंट्रासेलुलर साइट जो है कि नहीं इन माइट्रोकॉन्ड्रिया इंट्रासेलुलर साइट इन माइट्रोकॉन्ड्रिया तो इसमें क्या है आ, ये इंट्रा साइट माइक्रोकॉन्ड्रिया में भी होता है प्रोग्रेसिव में इन्वॉल्व होता है फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल कैल्शियम हाइड्रोक्सी पेप्टाइड बनने लगता है प्रो, प्रोग्रेशन में अब है मार्फोलॉजी ऑफ पैथोलॉजिकल ये तो पैथोलॉजी हो गया अब ये मार्फोलॉजी क्या है आपका कैल्सिफिकेशन uh, का पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन का ग्रॉस पैथोलॉजी क्या है भाई अपियर फाइन व्हाइट ग्रेन्यूल्स और कलम्प ऑफ ग्रिटी डिपोजिट डिपोजिट दिखेगा माइक्रोस्कोपी माइक्रोस्कोपी में देखिएगा तो सीन हेमाटोजाइलिन हेमैटोजाइलिन एंड योसिन एच एंड ई सेक्शन इंटर सेलुलर एंड एक्स्ट्रा सेलुलर बेसोफिलिक एमरफस ग्रेनुलर डिपोजिट आपको मिलेगा बेसोफिल बेसोफिलिक मैंने बेसोफिल जो होता है ना उसके बेसोफिलिक एमरफस ठीक है सम टाइम सिंगल नेक्रोटिक सेल एक्ट एसिड विच गेट इनक्रस्टेड विथ लेमिनार मिनरल डिपोजिट एंड शमोमा शमोमा शामोमा शमोमा बॉडी शमोमा बॉडी बनता है तो डिपोजिट होता है किस में देखिए आपका ग्रेन ऑफ क्या रहा है शामोमा बॉडी लेवल कहा जाता है इसको ठीक है और ड्यू टू रिसेम्बल ऑफ ग्रेन ऑफ सैंड मतलब सैंड के दाना माने बालू जैसा ये शमोमा बॉडी दिखता है कॉमनली सीन इन दैपलियरी कैंसर में दिखता है ये